दोस्तों तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज की जो वैकेंसी निकली हुई थी उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करोगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपको एडमिट कार्ड निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइज, हम आपका उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल बार में सर्च करना है RHC। तो हम यहाँ पर RHC को टाइप करते हैं और इसे सर्च करते हैं। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाता है। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप यहाँ नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वायरमेंट। तो आपको इस वाले रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से इस रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाता है। अब आपको यहाँ पर जज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ रिक्वायरमेंट का जो पूरा ऑप्शन था वह खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ पर सिविल जज इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो एक नया पेज और खुल के आ जाता है। अब आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस एडमिशन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने आवेदन को लॉगिन करना है। तो आपको लॉगिन कैसे करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पर लॉगिन फॉर्म के लिए आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो गाइज, यहाँ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको कैसे प्राप्त करना है अगर आपके पास नहीं भी, अगर आप भूल गए हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है। और यूजर नेम पे क्लिक करके आपको फॉरगेट यूजर नेम के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम आपको पता कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगेगा, आपके मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नेम आपका चला जाएगा। तो आपको उस यूजर नेम को डाल के आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये दोनों फॉरगेट करने के बाद आपको यूजर नेम में अपना यूजर नेम आपको डाल लेना, जैसा कि हम यहाँ से अपना यूजर नेम डाल लेते हैं। इसी तरीके से आपको अपना यहाँ पर अपना यूजर नेम आपको डाल लेना है। यूजर नेम डालने के बाद आपको अगले ऑप्शन में आपको पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको अपना जो भी आपने फॉर्म को फिल करते समय पासवर्ड बनाया था अगर आपको वह याद है तो आपको वो डाल लेना है। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप फॉरगेट करके अपना बना सकती हो। तो हमने यहाँ पर वह पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइज आपको अपने कैप्चा कोड को इसमें फिल कर लेना है। तो गाइज हमने अपने इस कैप्चा कोड को भी इसमें फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका जो लॉगिन है वह लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरीके से होने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन कार्ड फॉर आपका इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको एडमिशन कार्ड फॉर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका जो एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड हो चुका है। तो आपको यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाना और यहाँ से आपको इसे खोल लेना है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो हमारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। गाइज अगर आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके दे देंगे या आपको आपका पूरा प्रोसेस बता देंगे किस तरीके से आपको ये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है।